सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीवी से में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडी पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आई डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो बनी है उनको भी देखिए आप, और जहाँ तक मेरा मानना है अगर आपने जो वीडियोज़ अभी तक बनी है अगर उनको सीरियसली फॉलोअप किया है तो आपका एनडी का एग्ज़ाम इतने में ही क्रैक हो जाता है। ठीक है, वो काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने लिए नहीं है अभी, प्रोबेबिलिटी मैंने अभी इंक्लूड किया नहीं है, वेक्टर्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 3D इंक्लूड नहीं किया है। अगर ये इंक्लूड कर दें तो आपका फिर तो समझिए कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स ही कर लिया तो इससे ही आपके काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, जितने भी मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इतने अगर आप कर लेंगे तो दैट इज़ सफिशियंट फॉर योर एंड एग्जाम। बट ऐसा भी नहीं कि मैं आपको वीडियो बनाने छोड़ दूँगा, तो अगर आप वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी ये सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि आपके जो वेक्टर्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों और प्रोबेबिलिटी जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स क्लियर हों, तो उनके लिए मैं बेसिक्स के लिए सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा, ताकि फिर उसके बाद हम एनडीए पाथफाइंडर में आएंगे। अब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी में सीधे स्टार्ट कर लूँ, बट ट्रिग्नोमेट्री तो आपने क्लास 11 में कही रखी है, उतना टफ भी नहीं है, तो सारे फॉर्मूले हैं जो आपने दिमाग पर रखने हैं, बाकी क्वेश्चंस तो वैसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल 114 degree 35 minutes and 30 seconds। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली विथ प्रॉपर लॉजिक सॉल्व हो जाता है। अब आपको मालूम है 1 radian जो होता है कितना होता है, 1 radian की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 57 degree। ठीक है, तो 2 radian कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस है इसका डबल होगा, तो डबल कितना हो जाएगा 114 degree। तो हमें पूछा कि 114 degree 35 minute 30 seconds का मतलब 114 degree हुआ अप्रॉक्सीमेटली, तो 2 radian की वैल्यू भी 114 degree आ रहा है, दैट मीन्स आंसर आपका डायरेक्टली आ गया देखते ही 2 radian। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक वेन द टाइम इज 8:25 AM। तो 8:25 हो रखे हैं। ठीक है, तो आवर हैंड ने जो एंगल स्वाइप किया कितना कवर किया एंगल वो निकालेंगे पहले हम, फिर मिनट हैंड ने कितना कवर किया वो निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए आवर हैंड ने टोटल कितना ट्रेवल किया, 8 hour + 25 minutes। तो 8 hour + 25 minute का मतलब हुआ 25/60 hours। ओके, और आपको मालूम होना चाहिए 1 घंटे में आवर हैंड कितना स्वाइप करता है एंगल 30 degree, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप मिनट हैंड में आ जाते हैं, मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया ओनली 25 मिनट्स, तो 25 मिनट में कितना एंगल स्वाइप किया होगा, 1 मिनट में स्वाइप करता है मिनट हैंड 6 degree, तो इनटू 6 कर देते हैं इसको, बाकी आपने दोनों को कैलकुलेट करके सब्ट्रैक करना है। ठीक है, तो 8 6 जा ऊपर वाले को सॉल्व करो, 8 6 जा 48 + 25 दैट इज़ 1505/60 × 30 कैंसिल करेंगे तो 32 या ये कट गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 या 4 2 5 या 10 2 2 या 4 2 5 या 10, और नीचे वाला आ गया आपका 150 degree। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ रहा आपका 0.5, तो ऐसे ही आएगा 2 और यहाँ आपका 0 और 1 102.5 आ चुका है। ठीक है, तो 102.5 तो आपको दिख रहा 102 वाला बी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सीधे डायरेक्टली आपका आंसर हो गया 102 degree 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 292.5 degree। तो अब आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, 270+ में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा इसको, तो इसको लिख देते हैं हम 270 sin 270 + 22.5 degree। ओके, तो साइन 270 + थीटा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता तो माइनस लिख दिया, और साइन का क्या बन जाएगा cos 22.5 degree। अब आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 + cos 2 θ / 2, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो माइनस रूट ऑफ 1 + cos 2 θ करेंगे, तो थीटा आपका यहाँ पे 22.5 degree, इसका डबल 45 हो गया, तो cos 45 degree, ओके, अपॉन 2। अब यहाँ से आपका आंसर भी आ चुका है डायरेक्टली, 1 + cos 45 degree होता है 1/√2/2, और बात बाहर में माइनस का साइन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो दो पॉजिटिव ए और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया कि दोनों पॉजिटिव हैं, अब आंसर होगा बी या डी में से, तो बी वाला आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए जो आपका रिजल्ट आ रखा है नीचे में लास्ट में जहाँ पहुँचे हम, अपॉन में 3 कहीं से कहीं तक आ नहीं सकता है, अपॉन में 2 ही आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, और नेगेटिव का साइन भी है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो वन प्लस कॉस 67.5 डिग्री, वन प्लस कॉस 112.5 डिग्री। तो पहला वाले को तो ऐसे रहने दीजिए आप, वन प्लस कॉस 67.5 डिग्री, और दूसरे वाले को कन्वर्ट कीजिए, एक्यूट में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 67.5 डिग्री। तो 112.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 67.5 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 180 माइनस थीटा बनेगा, जो बन जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस 67.5 डिग्री ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई 67.5 डिग्री, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री। ओके, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस इसका डबल, तो 67 का डबल कितना हो गया आपका, 67 इंटू 2 करेंगे तो 7 टू या 14, 6 टू या 12, 13, 134 आ गया, और हाफ का डबल 1 हो गया, 135 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 135 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो कॉस 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 डिग्री, कॉस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका, माइनस कॉस 45 डिग्री, दैट मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री ओके अपॉन 2। अब आपको मालूम है 1 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 बाई रूट 2 का मतलब क्या हुआ, 1 बाई रूट 2 का मतलब हुआ रूट 2 बाई 2, ठीक है। और इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 के अप्रॉक्स होती है, अपॉन 2 करेंगे तो 0.7 समथिंग आ रहा है, तो हम लिख देते हैं इसको 1 प्लस 0.7 अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस 1.7 हो गया है, अपॉन 2 करेंगे तो 0. कितना आ रहा है, 8 समथिंग आ रहा है, 0.8 समथिंग, तो एक से छोटा है आपका ही। और वैसे क्लियर है कि ये इरेशनल नंबर होगा, रूट 2 यहाँ पे है, इरेशनल के साथ कोई भी रेशनल अगर जोड़ें घटाएं डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो वो जो ओवरऑल नंबर होता है वो इरेशनल ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा इट विल बी डी, एन इरेशनल नंबर एंड इज लेस देन 1, ओके, छोट 1 से छोटा है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 9, कॉस पाई बाई 3 प्लस ए सो ऑन, और ये आपका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो इसको ज़्यादा टाइम लूँगा। तो जो सेकेंड टर्म आपका सबके अपॉन में 9 आप देख रहा होगा, केवल दूसरा जो टर्म है वहाँ 3 है, तो उसको भी 9 बना दे, 3/3, बाकी आपकी ए पी बन रही है। ए पी का पहला टर्म पाई बाई 9 20 डिग्री हो गया, दूसरा टर्म आ गया 23 या 60 आ गया, 25 या 100 एंड 27 या 140, तो चौथा एंगल 140 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है कितना, 20, ए पी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 20, ठीक है। तो इसमें सीधे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, साइन एन डी अपॉन 2 अपॉन साइन डी अपॉन 2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ये फार्मूला हमने कल देखा था। तो सीधे इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, डी अपॉन 2 कितना आ गया, तो डी अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, सॉरी कॉमन डिफरेंस 40 आ रहा था यहाँ पर, 20 प्लस 40 60, 40 अपॉन 2 आपका 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी अपॉन 2 की वैल्यू 20 आ गई, एन आपका 4 है, 4 इंटू 20 दैट इज 80, साइन 80 बन गया यहाँ, अपॉन साइन डी अपॉन 2, साइन 20 आ गया, और कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल 20 था, लास्ट एंगल आपका 140 है, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 160 अपॉन 2 80 आ गया। अब यहाँ फर्दर जो है फॉर्मूला बना सकते हैं आप हाफ एंगल का, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माने 160 डिग्री बन जाएगा आपका ये, साइन 160 अपॉन साइन 20, ठीक है। और बाकी आपको मालूम है साइन जो 160 होता है उसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 20, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा डेट इज साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया रिजल्ट, 1/2, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 10 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, तो 10 पाई प्लस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 10 पाई बाई 6 ही रहेगा आपका ही, एंड आफ्टर दैट 10 9 पाई बाई 4, तो इसको हम लिख सकते हैं
8 पाई प्लस पाई दैट मींस 8 पाई अपॉन 4 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 आपका पॉजिटिव ही रहेगा, 10 पाई बाई 4 बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपका आया ये 10 9 9 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो 9 पाई आपका 3 पाई बन जाएगा 3 से डिवाइड करने पे, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई का मतलब आ गया आपका 3 पाई प्लस थीटा बन रहा है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में 10 आपका पॉजिटिव ही रहता तो 10 पाई बाई 3, तो डायरेक्टली आपका ये 10 पाई बाई 6 माने 10 30 डिग्री कितना होता है वैल्यू 1 बाई रूट 3, 10 45 डिग्री 1 एंड 10 60 डिग्री इट इज़ रूट 3। तो आपका उससे पूछा क्या बना रहे ए पी जी पी ए पी, तो कॉमन सेंस है सीधे जी पी बना रहे हैं, जिसका जो कॉमन रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है रूट 3, तो इट इज़ इन जी पी, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ चुका है, इट इज़ बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस सोन, और नीचे सब ए पी में आप देख रहे होंगे, एक्स प्लस 2x, 3x प्लस 2x, 5x, 5x प्लस 2x, 7x, और नीचे भी सेम टर्म्स हैं, तो ऐसा होने पे मैंने कल आपको बताया था, सीधे सीधे आपने क्या करना है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल सीधे लिख दो, 10 लिख दो उसको, सीधे हो गया साइन नीचे कॉस आएगा, 10 ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल अपॉन 2, तो सीधे ये फॉर्मूला आपका बताया था मैंने कल जो है ट्रिक्स जो डिस्कस किए थे, तो वहीं से आपका आ चुका है 8x साइन 8x, सॉरी 10 8x अपॉन 2 दैट मीन्स 10 4x, ओके होप दिस इज़ क्लियर। तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 10 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड 10 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, तो यहाँ मैं ज़्यादा सही समझता हूँ उसको वैल्यू को पुट अप करके सॉल्व करना, हालांकि आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप रिजल्ट तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि रिजल्ट चेक करने के लिए थीटा की वैल्यू कुछ ली जाए, तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्रेफर करूँगा 30 डिग्री लेना, सबसे बेस्ट होता है 30 या 60 डिग्री, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, 30 और 60 में कॉम्प्लिकेशंस आते भी नहीं है, बहुत रेयर चांस रहते हैं, ओके। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या, 10 थीटा प्लस साइन थीटा, तो 10 30 डिग्री कितना हो गया 1 बाई रूट 3, प्लस साइन 30 डिग्री हो गया 1 बाई 2, इक्वल टू एम आ गया पहला इक्वेशन, ओके। उसके बाद दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू एन हो गया। अब सब सब चीज़ आप कैलकुलेट कर दो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम एन सब निकाल दो। चलो एम एन पहले निकालते हैं, एम एन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा आपका सीधे सॉल्व करके एम इंटू एन, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई 12 आ गया आपका ये, ओके। उसके बाद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी सॉल्व निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बनेगा 1 बाई 3, 1 बाई 3 और चलो इसको एम स्क्वायर निकाले दो, यहाँ पे एम स्क्वायर यहाँ एन स्क्वायर भी निकाल देते हैं, एम स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, ओके प्लस 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन रूट 3, 1 बाई रूट 3, 2 इंटू a इंटू b, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 3, ओके 2 इंटू a इंटू b करूँगा तो 2 इंटू 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई रूट 3 बचा, एंड आफ्टर दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका कितना आ गया, फिर दोनों को जोड़िए, 1 बाई 3 1 बाई 3 को जोड़ के 2 बाई 3 हो गया, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 को जोड़ के कितना आ गया 2 बाई 4 दैट इज़ 1 बाई 2, तो ये आपका कितना बन गया 4 प्लस 3 7, 7 बाई 6 आ गया आपका ये, ओके। आफ्टर दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 अपॉन 3 कैंसिल, 1 अपॉन 4 भी कैंसिल, 2 बाई रूट 3 आ गया, ओके। अब चलते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये आपका दिख रहा होगा 2 अपॉन रूट 3, ये किसके बराबर है कह रहा है 4 mn के बराबर, तो 4 टाइम्स mn करूँगा तो 1 अपॉन 3 आ रहा है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है तो ये कैंसिल। अब बी वाले ऑप्शन में चलें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 7 बाई 6 है जो कि 4 mn के बराबर है, तो 4 mn आपका कितना रहा 1 बाई 3 जो कि इसके बराबर नहीं आ रहा है। उसके बाद सी ऑप्शन में गए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू अलग है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 7 बाई 6 है और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2 बाई रूट 3 है, तो ये भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन यही आपका आंसर होगा, तो इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना आपका आ रखा है 7 बाई 6 और 4 इंटू रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपका आ रखा है 2 बाई रूट 3, ओके 4 टाइम्स रूट ऑफ mn, तो रूट ऑफ mn आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट 12, रूट 12 कितना होता है आपका 2 रूट 3,
ओके, तो टू से कैंसिल हुआ, तो 2/√3 ये सेटिस्फाई हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। वैसे आप चेक नहीं भी करते तब भी ये आंसर होता अगर आपने शुरू में कोई मिस्टेक नहीं कर रखी तो, अदरवाइज फिर शुरू से स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस थीटा गिवन है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी दिया है तो सीधे सी एन डी लगाना चाहिए, कॉस थीटा के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। दैट मीन्स 1 + cos θ, 1 - cos θ। तो इसको सबसे पहले तो उल्टा कीजिए, उल्टा मीन्स ऊपर नीचे कीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1/cos θ, और उस तरफ बन जाएगा a + b cos φ, और वो न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा a cos φ + b। ओके, अब इसके बाद लगा देते हैं कॉम्पोनेंड एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये लिखा हमने, और नीचे में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला बनना आपको दिख रहा होगा ये, और यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। न्यूमरेटर आपका पूरा a + b cos φ है, प्लस डिनोमिनेटर दैट इज a cos φ + b है, एंड नीचे में आपका आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a cos φ - b बन जाएगा आपका ये। तो 1 + cos θ आपको मालूम ही है, 2 cos²θ/2 होता है फॉर्मूला हाफ एंगल का। 1 - cos θ क्या होता है, 2 sin²θ/2। ओके, और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, a कॉमन लेंगे तो फिर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे आप क्लियर कट है, ये जो मैंने तीर का निशान लगाया, a और a cos φ से a कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 1 + cos φ। तो 1 + cos φ क्या होता है आपका, 2 cos²φ/2। ओके, और बचा क्या आपके पास, b cos φ + b। तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो cos φ + 1 बच गया, जो कि बन जाएगा 2 cos²φ/2। ओके, इसके बाद देखिए आप नीचे में a और -a cos φ से a कॉमन लिया आपने, तो यहाँ से भी फॉर्मूला बन गया 1 - cos φ दैट इज 2 sin²φ/2। 1 - cos φ का फॉर्मूला 2 sin²φ/2। ओके, और बचा क्या, b cos φ और ये -b, तो इसमें से -b कॉमन लीजिए तो 1 - cos φ बचेगा, जिसको लिख देंगे हम 2 sin²φ/2। ओके, अब यहाँ से ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 2 2 सब हटा दीजिए आप। ओके, ये हटा दिया हमने। तो अब देखिए यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से कॉमन cos²φ/2 कॉमन आ रहा है, और नीचे में क्या कॉमन आ रहा है, sin²φ/2, sin²φ/2। और बचा क्या न्यूमरेटर में, a + b, और यहाँ डिनोमेटर में बचा आपका क्या, a - b। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, हमने किसकी वैल्यू निकालनी, tan θ/2 की वैल्यू निकालनी, तो हमें cot θ/2 की वैल्यू तो आएगी, रूट ऑफ हो जाएगा आपका, रूट करेंगे तो cos² हट जाएगा इनका, cos φ / sin φ। तो cot लिख देते हैं यहाँ पे, शायद डायरेक्टली रहेगा, तो cot लिख देने में ज़्यादा बेटर रहेगा, cot φ / 2 बच जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा आपका, a - a + b / a - b। ओके, फर्दर इसको टेन में कन्वर्ट करना तो उल्टा कर दो, cot θ/2 की जगह पर मैंने टेन लिखा, tan θ/2, तो सब चेंज हो, सब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। cot φ / 2 की जगह पे tan φ / 2 आ जाएगा, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए जो रूट में है, तो ये आ जाएगा a - b ऊपर और a + b नीचे। तो tan θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई, √a - b / a + b tan φ / 2। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास पहला जो कि ये दिख रहा है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अल्फा के 2 हिस्से किए गए, एक ए और दूसरा बी। दैट मीन्स यहाँ से कॉमन सेंस है कि a + b = α होगा, क्योंकि अल्फा के जब 2 हिस्से हुए तो ए और बी को जोड़ के अल्फा ही बनेगा। एंड सच दैट a - b = x हो गया, और एक चीज़ हमें और गिवन है, tan a / tan b, tan a और tan b का रेशियो गिवन है, दैट इज़ 2/1। तो रेशियो गिवन है तो सी एन डी आपने लगाना है, ठीक है। तो इससे सी एन डी लगाने से पहले आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, तो टेन ए को मैं साइन ए / cos ही लिख दूंगा, और टेन बी को
साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ओवरऑल क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कॉस बी इंटू कॉस बी ऊपर चला जाएगा और इसका साइन ए नीचे ही रहेगा, ओके, और इक्वल टू टू अपॉन वन है। तो अगर सी एन डी फिर से इसमें लगाएं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर करूँगा तो फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए आना चाहिए था यहाँ पे, साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी यहाँ कॉस ए आएगा, यहाँ पे आपका साइन बी आएगा, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ा जल्दीबाजी में गलत हो गया आपका ही, बट यहाँ पे कॉस ए आएगा और साइन बी आएगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा आप साइन ए और कॉस ए में, मतलब कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में तो ये रिजल्ट आएगा, ओके। नाउ हियर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका बन जाएगा साइन ए प्लस बी न्यूमरेटर में, और नीचे में हमने क्या करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपका बन जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया है। इक्वल टू टू प्लस वन, यहाँ भी आप सी एन डी लगाएंगे तो टू प्लस वन थ्री, टू माइनस वन, न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर वन आ गया, तो ए प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा आ गया आपका ए पे, ए प्लस बी की जगह पे, और ए माइनस बी क्या गिवन था हमें एक्स, तो साइन एक्स, तो ये आपका आ गया थ्री अपॉन वन। तो आपने रिजल्ट देखने हैं, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन थ्री, ओके, तो वन अपॉन थ्री साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपॉन थ्री, सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव, तो सीधे फॉर्मूले से बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए सी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ, कल भी डिस्कस किया था हमने ये ट्रिग्नोमेट्री की जो ट्रिक्स बताई थी उसमें ये था इंक्लूडेड, तो सी यहाँ पे है फाइव प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया फाइव, तो फाइव प्लस फाइव कितना हो गया 10, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन आपका वैल्यू रख के बन सकता है, बट वैल्यू रख के आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए, वन अपॉन वाई अपॉन में एक्स और वाई अगर ऊपर होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट यहाँ अपॉन में है, फिर आपको कई चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करने हैं, अगर पहला ही ऑप्शन आंसर हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ चार ऑप्शन है, क्या पता लास्ट वाला आंसर हो, तो इससे बेटर है कि इसको हम ट्रेडिशनल वे पे ही सॉल्व करें, ओके। नाउ जैसे टेन ए माइनस टेन बी, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी आपके सामने में, टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू एक्स, ओके। नाउ हियर यहाँ पर आपको कॉट बी माइनस कॉट ए वाई गिवन है, तो यहाँ से आपका कॉट बी की जगह हम लिख देंगे वन अपॉन टेन बी माइनस कॉट ए की जगह वन अपॉन टेन ए इक्वल टू वाई आ गया, ये ऑलरेडी गिवन है, इसको एलसीएम लेंगे तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका y, और टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू हम ऑलरेडी गिवन है x है, तो x अपॉन टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी इक्वल टू y, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cot a cot b, वन अपॉन टेन cot हो गया, वन अपॉन टेन cot हो गया इक्वल टू y अपॉन x, ओके। अब हमने जिसकी वैल्यू निकालनी उसको निकाल लेते हैं, cot a माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, cot cot a cot b cot b cot a, कुछ भी लिखो cot a cot b प्लस वन अपॉन cot b माइनस cot a, ये फार्मूला होता है cot a माइनस b का, तो cot a cot b हमें ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ वैल्यू निकाल रखी y बाई एक्स, ओके, प्लस वन, और नीचे में cot b माइनस cot a, इसकी वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन थी, इट इज़ y, शुरू में जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, cot b माइनस cot a इक्वल टू y, तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने पे पहले वाले में y कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स आ गया, प्लस दूसरे वाले में वन अपॉन वाई आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, तो c विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ cos a प्लस cos b इक्वल टू m एंड sin a प्लस sin b इक्वल टू n, वेयर m एंड नॉट इक्वल टू 0, वट इज cos a प्लस b इक्वल टू, तो cos a प्लस b आपका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, बट यहाँ पे सी एन डी लगा सकते हैं हम, लंबा हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि वैल्यू रख लेते हैं हम, तो ए की वैल्यू कितना 30, बी की जगह पे 60 रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ओके। तो ए अगर हम 30 लें तो कॉस 30 कितना होता है आपका रूट थ्री बाई टू,
प्लस कॉस 60, बी हमने 60 माना तो कॉस 61 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू एम। और दूसरा की इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए, ए 30 है तो साइन 31 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, सॉरी प्लस रूट 3 बाई 2, ये आपका आ गया एन। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ पे जो पूछा गया है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए आपका है 30 और बी आपका है 60, 30 प्लस 60 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब 0 कौन से वाले ऑप्शन से आ रहा है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही क्लियर है कि ये 0 आएगा, क्योंकि एम जो है, देखिए एम और एन इक्वल है, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम आई है, रूट 3/2 प्लस 1/2, और एन की वैल्यू भी इतनी आ रखी है 1/2 प्लस रूट 3/2, दोनों सेम है। अब इनका स्क्वायर करूंगा तब भी सेम आएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो आएगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमेटर चाहे कुछ भी हो अदर देन 0, तो वो जो रिजल्ट होता है ओवरऑल 0 ही हो जाता है। तो हमें इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। देन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, अगर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ एंगल का फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2 ए, तो साइन 2 ए और साथ में आपका अपॉन 2 आ गया, ठीक है। और आपको मालूम है साइन 2 ए, साइन चाहे कुछ भी हो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब यहाँ अपॉन में 2 भी चाहिए तो अपॉन में 2 सबके नीचे लिख दो, तो यहाँ से क्लियर कट हो गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो 1/2 बनेगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1/2 होगी। तो यहाँ से इसका सीधे आंसर दिख रहा है, सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 10x प्लस 100 इक्वल टू 10x प्लस 50, 10x एंड 10x माइनस 50। अब एक्स की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से सेटिस्फाई करेगा। तो हालांकि ऑप्शन से बन सकता है, ऑप्शन के हिसाब से ऐसी वैल्यूज़ नहीं तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसको ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो 10x प्लस 100 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से 10x माइनस 50 को यहाँ लाइए। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, 10x प्लस 50 और साथ में बचा 10x। ओके, नाउ हियर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो साइन एक्स प्लस 100 अपॉन कॉस एक्स प्लस 100 ये आ जाएगा। और नीचे वाले को भी चेंज करेंगे तो आप क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स माइनस 50 और कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस एक्स माइनस 50। ओके, और यहाँ पर आपका जाएगा साइन एक्स प्लस 50 और यहाँ साइन एक्स और नीचे में कॉस एक्स प्लस 50 और साथ में आ जाएगा आपका कॉस एक्स। अब सी एन डी लगा दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2x प्लस 50 और नीचे बनेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी, तो ए आपका x प्लस 100 है और बी आपका x माइनस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ कितना आ जाएगा 100 माइनस माइनस 50, तो साइन 150 आ गया। और यहाँ पे आपका फिर सी एन डी लगाएंगे तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, कॉस 50 आ गया। और यहाँ पे नीचे में साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो माइनस कॉमन लेंगे तभी फार्मूला बन पाएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो फार्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 50। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो माइनस साइन 2x प्लस 50 और कॉस 2x प्लस 50, इसके बाद ये आ जाएगा आपका कॉस 50 और साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, तो साइन 180 माइनस थीटा मीन साइन थीटा, साइन 30 बन जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1/2, तो अपॉन 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से आप दोनों तरफ आपने
टू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पहले में हाफ एंगल का फॉर्मूला बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हाफ एंगल का फॉर्मूला बन रहा है, तो टू से टू तो यहाँ कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड में, और यह बन गया साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माने 4x प्लस 100 हो गया ये इक्वल टू, कॉस को साइन में चेंज करें तो साइन एक काम कीजिए यहाँ माइनस को जो है यहाँ प्लस लिख के यहाँ माइनस लिख दीजिए पहले माइनस कॉस 50, ठीक है। माइनस कॉस 50 को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो बनेगा क्या ही, साइन 4x प्लस 100 इक्वल टू साइन ऑफ 270 माइनस 50, ऐसा लिखना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। ओके साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 50 यहाँ से बन रहा है, तो उसको आप दोनों तरफ इक्वेट कर लीजिए, तो इक्वेट करने पे क्या आ रहा है डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो 4x प्लस 100 इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग 270 माइनस 50 220, तो इसको यहाँ भेजने पे कितना आ गया 120 आ गया अपॉन 4, तो 4 3 जा 12 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका सी एन डी से बन रहा है, कॉस दिख रहा है आपको इसके अपॉन में 1 लिख दीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद सी एन डी लगा दीजिए, ठीक है, वहाँ कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 है। ओके तो 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा सी एन डी लगा दिया अपॉन 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, उल्टा कर पहले रिसिप्रोकल कीजिए फिर सी एन डी लगाएंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका 3 माइनस कॉस 2 बीटा बन जाएगा, प्लस प्लस डिनोमेटर आपका बन जाएगा 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1, और उसके बाद 3 माइनस कॉस 2 बीटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर, तो माइनस 3 कॉस 2 बीटा प्लस 1 हो गया आपका ये, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया, और ये आपका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3 और इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए 3, तो 1 प्लस कॉस 2 बीटा बन जाएगा, तो 3 कॉमन लिया हमने, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा, 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, और इन दोनों का पेयरिंग करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले, फिर 1 प्लस कॉस 2 बीटा बन रहा है, तो जो भी बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा। ओके और नीचे में भी ऐसे ही हो जाएगा आपका, 3 के साथ किसका पेयरिंग करेंगे 3 कॉस 2 बीटा का, 3 कॉमन लीजिए तो 3 1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, और कॉस 2 बीटा का 1 के साथ पेयरिंग करेंगे तो प्लस 1 माइनस कॉस 2 बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा हो गया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा 2 2 2 2 कैंसिल, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 3 कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लीजिए आप, ठीक है, तो यह कॉमन क्या ले दो घटाई दो 3 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर बीटा। ओके और नीचे में आपका जाएगा जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो बन गया 4 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी कॉस स्क्वायर, या एक काम करो क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में तो हमें रिजल्ट चाहिए नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है, स्क्वायर रूट रूट ऑफ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी टेन अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू रूट टू कॉस बीटा अपॉन यहाँ से कितना आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ आपका साइन बीटा बन गया। ओके हमें चाहिए टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बन रहा कहीं पे देखिए आप, टेन अल्फा यहाँ बन ही रहे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा दैट इज़ टेन अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा बन रहा है, बाद में चेंज कर देंगे, कॉट अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, और ये बन गया कॉट बीटा, ठीक है। कॉट बीटा को यहीं पे रहने दीजिए, कॉट अल्फा को इस तरफ भेज दीजिए और रूट 2 को इस तरफ लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो रूट 2 यहाँ आ गया, कॉट बीटा अपनी जगह पे है, और कॉट अल्फा ओपन में जाएगा तो बन जाएगा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2, तो होप दिस इज़ क्लियर, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल क्यूब से भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको दिमाग पर रखना आपने। तो पहले गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन है, साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ भेजिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए जिसकी वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही बीच में, जो आपका टू दिख रहा होगा, इस टू से आपको क्लियर हो जाएगा कि टू ए बी आना चाहिए इसमें, ठीक है। और पहले ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो इसको, कॉस की पावर एट एक्स को, तो कॉस फोर एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर हमने ये लिख दिया। और लास्ट में आपका कॉस की पावर फोर एक्स को हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने बना दिया, प्लस टू इंटू कॉस की पावर फोर एक्स ए इंटू बी कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए चेक कीजिए, बीच वाला टर्म आ रहा नहीं आ रहा है, टू कॉस की पावर सिक्स एक्स बनना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, येस। तो फार्मूला बन गया आपका क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम सीधे साइन एक्स लिख देते हैं, ओके, का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आपका गिवन इक्वेशन था वो वहीं पे वापस पहुंच गए हम, गिवन इक्वेशन क्या था क्वेश्चन का स्टार्टिंग में, इफ़ जहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स फिर से आ गया दोबारा, तो इसकी वैल्यू वन हो गई, वन की पावर टू करो चाहे थ्री करो चाहे कुछ भी करो, इट विल बी वन ओनली, ओके। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स इक्वल टू वाई कॉस टू पाई बाई थ्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री बन जाएगा आपका ही। और इन द सेम मैनर जेड कॉस फोर पाई बाई थ्री, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री आ जाएगा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री आ गया। और कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू मानी 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना 1 बाई टू हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई टू इक्वल टू माइनस जेड बाई टू, ये आ गया आपका, ठीक है। इक्वल टू के मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू तो के हो गई, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू के, ठीक है, और जेड की वैल्यू भी माइनस टू के हो गई, तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो एक्स इंटू वाई, एक्स क्या था आपका के, ओके, इंटू के इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी माइनस टू के, तो माइनस टू के लिख दिया हमने यहाँ, ओके, प्लस वाई जेड, वाई इंटू जेड, तो वाई की वैल्यू कितनी थी माइनस टू के, और जेड की वैल्यू भी आपकी माइनस टू के, ओके, एंड आफ्टर दैट जेड एक्स, तो जेड आपका माइनस टू के है और एक्स आपका था के, तो बाकी इसको जीरो आ रहा होगा इसमें, देखिए टू माइनस टू के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर, और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस टू के स्क्वायर, तो यहाँ देखिए माइनस टू के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, थीटा इक्वल टू 1200 डिग्री है, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो इन्वर्स बनेगा इज पॉजिटिव, तो सेक थीटा, तो सेक 1200, तो 1200 को एक काम कीजिए, पहले आप 180 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 180 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 1200 डिवाइडेड बाय 180, 180 सिक्स या जीरो सिक्स एट या 48, 18 सिक्स या 108 आ गया सीधे डायरेक्टली, 0 2 1, 120 डिग्री बज रहा है, दैट मीन्स 6 पाई प्लस 180, तो 1200 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू पाई 180 प्लस 120, तो यहाँ पे आपकी sec थीटा sec 6 पाई प्लस 120 हो गया, और प्लस 10 6 पाई प्लस 120 आ गया, का इन्वर्स निकालना है वो तो बात की बात है, का होल इन्वर्स निकालना है, तो sec 6 पाई 6 पाई प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका sec क्या होता है पॉजिटिव, तो sec 120 हो गया डायरेक्टली प्लस, और ये आपका आ जाएगा 6 पाई 10 भी आपका 10 120 बन जाएगा। अब बाकी इसको आगे चेंज कीजिए आप, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60,
sec 180 माइनस 60 तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव जाएगा तो sec 60 बन जाएगा आपका ये sec 60, और ये आपका आ जाएगा tan 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 माना सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव गया तो ये बन गया आपका tan 60। ओके tan कितना 60, तो यहाँ से आपको मालूम ही है ये जो है sec 60 डिग्री पॉजिटिव है, tan 60 डिग्री भी पॉजिटिव ही है, और जब इनका माइनस माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का इन्वर्स करो वो नेगेटिव ही जाएगा, इट वॉन्ट बी पॉजिटिव। मीन्स इसका जब इन्वर्स करेंगे हम होल इन्वर्स, जो पूरा ओवरऑल टर्म बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का जब इन्वर्स करेंगे तो पॉजिटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला जो है स्टेटमेंट इट इज़ इनकरेक्ट। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कॉसेक यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, कॉसेक यहाँ पे सेक की जगह कॉसेक आ गया, कॉसेक 120, तो यहाँ सीधे कॉसेक 120 बनेगा प्लस सॉरी माइनस कॉट 120 बनेगा। ठीक है, अब कॉसेक 120 कितना होता है आपको मालूम है, कॉसेक 180 माइनस 60 तो साइन कॉसेक 60 आ जाएगा, पॉजिटिव होता है कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये आपका कॉट नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका, ये कॉट 60 डिग्री बन जाएगा का इन्वर्स जब निकालेंगे हम तो दोनों पॉजिटिव हैं, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो रहा है, तो नीदर वन नॉर टू कोई भी स्टेटमेंट इनका करेक्ट नहीं है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन 66 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 66 डिग्री, कॉस 26 डिग्री इज स्मॉलर देन साइन 26। सिंपल सा क्वेश्चन आपका, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये तो आपको मालूम ही है, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यूज तो हमें मालूम ही होती हैं, तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम। साइन 0 डिग्री इज 0, उसके बाद साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया 0.5 लिख देते हैं, साइन 45 डिग्री हो गया आपका 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग, तो डिवाइड करूँगा 2 से तो 0.7 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद साइन 60 हो जाता है आपका √3/2, दैट इज़ 1.71 समथिंग, तो 0.8 के आसपास आ जाएगा इसकी वैल्यू, और साइन 90 डिग्री 1 आ गया, और कॉस की वैल्यूज उल्टा हो जाएंगी ज़्यादा, 0.8, 0.7, 0.5 और ये 0। अब देखिए साइन 66 डिग्री इज़ ग्रेटर देन कॉस 66 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साइन 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री इसके आसपास होगा कहीं, तो जब साइन 60 डिग्री की वैल्यू 0.8 है और ये बढ़ते क्रम में, और कॉस 60 डिग्री की जो है घटते क्रम में 0.5 से नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे साइन कॉस 66 की जो वैल्यू होगी 0.5 से कम होगी, और साइन 66 की वैल्यू होगी 0.8 से बड़ी होगी, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे कि साइन 66 डिग्री की वैल्यू जो है कॉस 66 डिग्री की वैल्यू से बड़ी आएगी, तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। दूसरा स्टेटमेंट कॉस 26 डिग्री, तो 26 डिग्री 30 डिग्री से पहले आएगा, तो यहाँ पे देखिए 0.5 से कम हो रहा है नीचे को ये हो रहा है, और इस तरफ जाने पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने पे ये 0.8 से बड़े की तरफ जा रहा है, कॉस बढ़ रहा है और साइन घट रहा है, तो कॉस 26 डिग्री इज़ स्मॉलर कह रहा है, तो कॉस 26 डिग्री तो बड़ा आ रहा है यहाँ पे, देख क्लियर कट आप देख सकते हैं 0.8 से बड़ा आएगा, और साइन 66 डिग्री साइन 26 डिग्री 0.5 से छोटा आएगा, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट, सो ओनली वन, दैट मीन्स स्टेटमेंट ओनली वन इज़ करेक्ट, सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, तो ए प्लस सी अपोजिट एंगल्स का सम 180 जाएगा, ओके बी प्लस डी भी आपका 180 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए बन जाएगा कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस सी, और कॉस बी क्या बन जाएगा, कॉस 180 माइनस डी बन जाएगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस सी हो जाएगा, ये आपको माइनस कॉस डी बन गया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वन, ये इट इज़ करेक्ट।
अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट टू की, स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। दूसरा कॉस पाई प्लस ए, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, कॉस ए हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, कॉस बी हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, कॉस सी हो गया। एंड माइनस साइन 90 माइनस डी, तो साइन कॉस डी बन जाएगा आपका इक्वल टू ज़ीरो हमने लाना है, अगर आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करना है। ओके, तो कॉस ए, ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस कॉस ए बन जाएगा, और कॉस 180 माइनस सी, दैट मीन्स कॉस 180 माइनस सी बन गया आपका माइनस कॉस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस सी हो गया। और कॉस बी क्या बन जाएगा आपका, कॉस 180 माइनस डी, दैट मीन्स कॉस माइनस कॉस डी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस डी बन गया, माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, बाकी कैंसिल हो गए आपके, ये कॉस डी से कॉस डी कैंसिल, कॉस सी से कॉस सी कैंसिल, दैट मीन्स यू आर गेटिंग जीरो हियर, दैट मीन्स स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तो स्टेटमेंट टू है, ये रिजल्ट तो वैसे भी आपको याद होने चाहिए। ओके, और दूसरा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, दोनों का सेम नहीं होता है, तो ये आपको भी स्टेटमेंट ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ये, तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। सो होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, और बाकी जो आने वाले फ्यूचर में आगे भी और सारे वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, सो वेट कीजिए थोड़ा सा, आजकल छुट्टियाँ चल रही तो मैं आपको डेली अपडेट करते रहूँगा, वैसे रोज़ आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।